नमस्कार, आप सभी बीए पार्ट अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का आज तीसरे व्याख्यान में स्वागत है। आपको मैं नियमानुसार निर्देशों की पालना में जो बीए पार्ट अंतिम वर्ष समाजशास्त्र का जो व्हाट्सएप समूह बनाया गया है उसमें पाठ्यक्रम और अब तक हुए व्याख्यानों के नोट्स भेज चुका हूँ और मुझे आशा है कि ये नोट्स आपको लाभान्वित कर रहे होंगे। आज इमाइल दुर्खिम का जो महत्वपूर्ण अवधारणा है, श्रम विभाजन की अवधारणा, जो पिछले व्याख्यान में भी हमने चर्चा की थी और इस व्याख्यान में भी हम चर्चा करेंगे, आज के व्याख्यान से यह अवधारणा पूर्ण हो जाएगी। पूर्व में मैं आपको ये सूचना उपलब्ध करवा चुका हूँ कि दुर्खिम द्वारा जो अपनी पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में जो प्रकाशित हुई थी, तीन खंडों में विभाजित है और 16 अध्यायों में वर्गीकृत है। प्रथम खंड की चर्चा मैं आपसे पिछले व्याख्यान में कर चुका हूँ, दूसरे खंड की और तीसरे खंड की चर्चा इस व्याख्यान में करें। दुर्खिम दूसरे खंड में यह प्रश्न उठाते हैं कि आखिरकार या अंत समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों है, और दुर्खिम इसका जवाब स्वयं देते भी हैं कि इतिहास के हर क्षण में जो भी सुख शांति होती है वह सीमित होती है, अर्थात व्यक्ति के बदल जाने पर सुख शांति कम हो जाती है। दुर्खिम आगे कहते हैं कि श्रम विभाजन के कारण विभेदीकरण बढ़ेगा और यह विभेदीकरण श्रम विभाजन का भी कारण है। आनुवांशिकता को दुर्खिम श्रम विभाजन का द्वितीय कारण मानते हैं। इस पैराग्राफ को हम समझेंगे। दुर्खिम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुख शांति चाहता है, परंतु यह सीमित है। समय के परिवर्तित होने के कारण व्यक्ति के आवश्यकताएं परिवर्तित हो जाती है और उन परिवर्तित आवश्यकताओं को ही आधार मानकर उसकी सुख शांति के आयाम भी परिवर्तित हो जाते हैं। और सुख शांति सीमित है, इसलिए समाज में विभेदीकरण बढ़ जाता है, अर्थात समाज कई वर्गों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक वर्ग को श्रम उपलब्ध करवाना समाज का दायित्व है, अतः श्रम विभाजन भी बढ़ेगा। दुर्खिम श्रम विभाजन के दो कारणों की बात करते हैं।
जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि और जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि। दुर्खिम कहते हैं कि सर्वप्रथम एक व्यक्तियों का समूह एक भौगोलिक क्षेत्र में सीमित या सामान्य आकार का गांव कहलाता है। धीरे धीरे उसमें व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है और आजीविका के साधन भी परिवर्तित होते हैं और वह गांव आगे चलकर एक नगर में परिवर्तित हो जाता है। समय के साथ साथ विकास की धुरी या नवीन आविष्कारों के परिणाम के कारण प्राथमिक अर्थात कृषि एवं पशुपालन जैसे व्यवसाय कमजोर पड़ने लगते हैं। औद्योगिक एवं सेवा जैसे व्यवसाय पनपने लगते हैं तो एक शहर नगर और नगर से महानगर की ओर अपना आकार बढ़ाता है। गांव और महानगर में जो मुख्य अंतर है वह जनघनत्व का है। जनघनत्व का बढ़ना श्रम विभाजन का प्रमुख कारण है। दूसरा कारण जो दुर्खिम रखते हैं वह है जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि, अर्थात समाज का दायित्व है कि व्यक्ति जनसंख्या की वृद्धि के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को समाज में उचित स्थान भी उपलब्ध करावे और उचित कार्य भी उपलब्ध करवावे। प्रत्येक व्यक्ति को कार्य उपलब्ध करवाने और उसे समाज में स्थान दिलाने की अपरिहार्यता के कारण ही समाज में श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है, ऐसा दुर्खिम का मानना है। और दुर्खिम ने जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि और जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि दो कारकों को जन श्रम विभाजन का कारण माना है। प्रथम खंड में दुर्खिम समाज में एकता कैसे बनती है, सुदृढ़ता कैसे बनती है की व्याख्या करते हैं। दूसरे खंड में दुर्खिम श्रम विभाजन के कारकों की व्याख्या करते हैं। तीसरा खंड जो इस पुस्तक का है उसमें दुर्खिम श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों की चर्चा करते हैं और तीन असामान्य स्वरूपों की बात करते हैं। पहली, व्यक्तिवादिता का अत्यधिक विकास व्यक्ति के अंदर सामूहिक एवं पारस्परिक निर्भरता की भावना का अभाव और तीसरा प्रतिमानहीनता। श्रम विभाजन के कारण समाज में कई असामान्य स्वरूप देखने को मिलते हैं। यह असामान्य स्वरूप आर्थिक जीवन में उस समय दिखाई देते हैं जब श्रमिक बट जाते हैं या उनमें विघटन आ जाता है। जब श्रमिक बट जाते हैं या उनमें विघटन आ जाता है तब औद्योगिक प्रतिष्ठानों में संगठन बन जाते हैं, अर्थात विभेदीकरण उत्पन्न हो जाता है।
श्रमिक जब संगठन बनाते हैं तो एक संगठन के श्रमिक दूसरे संगठन के श्रमिकों के विरोधी हो जाते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक श्रम में भी विशेषीकरण आ जाता है, अर्थात मानव श्रम की तुलना में मशीनी श्रम को अधिक महत्व दिए जाने लगता है। तब वैज्ञानिकों में भी, प्रबुद्ध लोगों में भी विघटन आ जाता है। श्रम विभाजन की समस्या के कई पहलू समाज के सामने उत्पन्न होते हैं और इन पहलुओं के अध्ययन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दुर्खिम, श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूपों की चर्चा जब करते हैं तो समाज में जब व्यक्ति समाज की जगह स्वयं के विकास को महत्व देगा और समाज को गौण मान के चलेगा तो ऐसी स्थिति में समाज की संरचना कमजोर होगी। व्यक्ति में सामूहिक एवं पारस्परिक निर्भरता भी कम होगी, जो कि सामाजिक संबंधों के लिए आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति भी समाज में असामान्य स्वरूप को उत्पन्न करेगी। और तीसरा, जब समाज में समाज के नियमों, मानकों और प्रतिमानों को कोई नहीं मानेगा, व्यक्ति नहीं मानेंगे, समाज के सदस्य नहीं मानेंगे, तो समाज में वैज्ञानिक विघटन उत्पन्न होगा और यह वैज्ञानिक विघटन श्रम विभाजन के कारण। दुर्खिम यह भी कहते हैं अपने खंड में, यदि श्रम विभाजन के नियोजित संरचनाओं को यदि समाज में लागू किया जाए या नियंत्रित किया जाए तो श्रम विभाजन के कारण ये जो तीन असामान्य स्वरूप उत्पन्न होते हैं उन्हें कमजोर किया जा सकता है और एक ऐसी उच्च आदर्श स्थिति प्राप्त की जा सकती है जो समाज को संतुलित रखेगी। श्रम विभाजन सही अर्थों में काम करता है तो मानव बंधुत्व का आदर्श प्राप्त होगा, लेकिन शर्त यह है कि श्रम विभाजन का आधार संविधान, कानून और आचार बने रहें तो सुदृढ़ता होगी। अतः श्रम विभाजन एक नैतिक तथ्य है, सामाजिक तथ्य है, यह व्यक्ति विरोधी नहीं है, समाज विरोधी नहीं है। दुर्खिम का कहना यहाँ स्पष्ट होता है कि श्रम विभाजन समाज में, एकता लाता है यदि कानून, संविदा और आचार अपने मूल रूप से कार्य करें। इसलिए दुर्खिम जब प्रथम खंड में समाज में सुदृढ़ता की बात करते हैं तो उसका आधार संविदा, कानून को मानते हैं और अंतिम खंड में भी दुर्खिम यह स्पष्ट करते हैं कि संविदा, कानून और आचार यदि समाज में सही रूप से कार्य करें तो समाज में श्रम विभाजन बना रहेगा और समाज में विघटन की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी।
आज आपका जो दुर्खिम की प्रथम अवधारणा समाज में श्रम विभाजन है वह पूरी होती है। अगले व्याख्यानों में हम दुर्खिम की सामाजिक पद्धति के नियम संबंधी अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।